सो हेलो एवरीवन, आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यार मेरा जो आज का प्रॉफिट हुआ है ना, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। आज से पहले मेरा एक दिन का प्रॉफिट इतना ज़्यादा कभी नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है। हो सकता है जो बड़े ट्रेडर हैं वो दिन में कईयों लाखों रुपए का प्रॉफिट करते हैं, पर मेरे लिए एक दिन के लिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे कैसे ट्रेड प्लेस किया था। वैसे तो आज सैटरडे है, मैं बिल्कुल ट्रेड करने से अवॉइड करता हूँ सैटरडे OTC मार्केट में। तो यार मैंने किया था, लेकिन आज चलो मैं यहां पर अपना कोटेक्स अकाउंट लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करते ही यहां पर आप देख सकते हो इसका इंटरफेस काफी सिंपल है। अगर आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो कोटेक्स के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके अपना अकाउंट अपने आधार कार्ड के साथ आप इजी तरीके से वेरीफाई करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट का भी ट्रेड लिया है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 70 रुपये का। आप सोच रहे होंगे यार इतना छोटे अमाउंट का ट्रेड कैसे है। यार यहाँ पर मैंने बैक टेस्टिंग कर रहा था कि यार जो मेरे पास स्ट्रेटेजी है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बड़ी अमाउंट का ट्रेड लिया था। और यहाँ पर अगर आज की डेट की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर $1,157 का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको इंडियन करेंसी में अगर आप चेंज करोगे तो ये समथिंग 95,000-96,000 रुपये होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डॉलर का वैल्यू है यहाँ पर कोटेक्स में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मेरा जो कैपिटल था वो था 51,000 रुपये। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लाइव अकाउंट में जो है अभी 1,56,000 रुपये है, यानी कि मेरे को यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आज के दिन में। तो यार काफ़ी तगड़ी प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले मेरा कभी नहीं हुआ था इतना ज़्यादा प्रॉफिट। और यहाँ पर देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर इस कैंडल के बाद ये डाउन बनना ही था। इस तरह से मैंने कुछ सिंपल से एनालिसिस करके लेबल को देख करके मैं ट्रेड को प्लेस किया था। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह ट्रेड तो यहाँ पर नीचे जाएगा अगर यह अगर एरर देता है। आपको पता ही होगा कि यार जो बाइनरी ट्रेडिंग है वो एक दो कैंडल तो एरर देता ही देता है। तो यहाँ पर मार्टिंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मार्टिंगल ट्रेड लेना। तो यहाँ पर मार्टिंगल ट्रेड लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ट्रेड जो प्लेस किया था वो मैंने काफ़ी थोड़ा बड़ा अमाउंट का ट्रेड लिया था। वैसे मैं इतना बड़ा अमाउंट का ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं 2,000-5,000 रुपये का ट्रेड लेता हूँ पर ट्रेड में। और मैं डेली का मैं सोचता हूँ यार यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये निकल जाए, ऐसा नहीं है। एक आध दिन हो जाता है बीच में ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन लॉस भी होता है। जितना ज़्यादा यहाँ पर रिस्क होता है ना उतना ही ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है। आप यहाँ पर ध्यान रखोगे अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो हो सकता है आपका पूरा अमाउंट यहाँ पर एक ही दिन में जीरो हो जाए, आपका पूरा अकाउंट यहाँ पर लॉस कर जाओ। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है। आपको मेरा यहाँ पर ट्रेडिंग जो जर्नी है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करने वाली है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस होते होते एक दिन ऐसा दिन आता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद तब कहीं जाके प्रॉफिट होता है। मेरे को मैं बता रहा हूँ मेरे को 1.5-2 साल से ज़्यादा होने वाला है इस करियर में, और मैं अभी तक मैं कुछ नहीं कमाया हूँ, बस मेरा खर्चा बर्चा चढ़ रहा है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस बस हो रहा है। तो यार यहाँ पर जितना चीज़ें मेरे को आता है मैं 1.5-2 साल में मैं सीखा हूँ सारी चीज़ें को मैं आपको बताऊंगा। साथ मिलकर अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं और साथ मिलकर जितना हो सके उतना अर्निंग करते हैं। सो आई होप दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मेरा आज का दिन कोई भी ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दिया। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस यह काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो यार मेरा मानना था कि यार मैं एक बार मेरे सभी ट्रेडर्स को एक बार बता दूं कि यहाँ पर फिर से हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। जितना चीज़ें मैं सीखा है वो सारी चीज़ें आपके बीच शेयर करूँगा और साथ मिलकर सीखेंगे। तो यार इस तरह से हम ट्रेडिंग जर्नी शुरू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैं बताया था एक ट्रेड यहाँ पर एरर देने के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे आया है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह अगर आपको कोई भी यूट्यूबर बताता है तो। ऐसा नहीं है, हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम नहीं करता।
यहाँ पर अलग अलग मार्केट के कंडीशन के हिसाब से कोई भी स्ट्रेटेजी काम करता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।